देख मेरे भाई यह जनिया घर जमाई अरे देख मेरे भाई यह जनिया घर जमाई बीवी मारे आंखों से सास मारे बातों से ससरा मारे लातों से देख मेरे भाई यह जनिया घर जमाई। अरे जवाई ज्यादा गुस्सा मत करो, गुस्से में कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। मेरा कम ज्यादा होगा? अरे हो जाने होना, मैं तो सोच रहा मेरा कम ज्यादा हो जाएगा। हाँ। अरे मेरा कम ज्यादा नहीं होगा, तुम चारों में से एक हाथ मेरे हाथ से कम हो जाएगा। अरे जा रे। हाँ। जा जा जा, एक काम कर, याद है ना फिर? हाँ याद है ना। हाँ चल याद रख। हाँ याद है ना। देख मेरे भाई भावा, क्या जोड़ आदमी से पैसे लिए तुमने? अरे पैसे लिए थे तो कम से कम मुझे जहर दे देना था। कैसे है? अरे बहुत परेशान है, ला एक दिन बाद 500 रुपए। बोले कैसे क्या है? अरे काल अलग गया तू, किधर आना होगा तेरा? बस पूछ रहा था मैं, तुम आई क्या चले गए? आई क्या चले गए? क्या भाभी, तुम्हारा तो खून ही सफेद हो गया। हाँ, जैसे तुम वैसे हम। क्या मामू, अभी तक है क्या तुम? हाँ? अरे मैं समझा चले गए होंगे। हाँ खेत में। ऐसा oh, no. बेटा मेरे को सब समझता, कौन क्या बोल रहा है। हाँ, और मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। एक एक पैग वसूल करूंगा जब जाऊंगा बेटा मैं। हाँ अरे बैठो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मैं खाना पका के आती। हाँ जा। oh, no. जा खाना गिना पका जा। चटनी पकाना। हाय बड़े मेजबान हूँ। क्यों मामू, क्या कहा गया दादा? काम को गया के? काम को इतना काम दार है क्या? और काम डाल ला। oh, hell no. वो देखो आ रहा उधर से सामने से। hey. काम को गया था क्या? क्या भी? क्या दबा दादा, कहाँ चल जाता? आ दे, मैं थोड़ा काम से गया था। कैसा है तू? अच्छा है। माँ कैसी है? अच्छी। बाबा कैसे? बाबा भी अच्छे। कालू कैसे? कालू भी अच्छे। और वो अपनी गली के जो पीछे रहते थे कालू दादा। हाँ वो तो बहुत अच्छे अच्छे। अरे बस रे, बस ना रे। क्या है? अरे कितने दिन के मिले रहे तुम रे? ये कैसा है, वो कैसा है, खालू कैसा है, खाला कैसी है, गांव वाले कैसे, आजू बाजू के 12 गांव का ही पूछ लो उससे। अरे तो तुमको क्यों इतने चटके लग दे? हाँ? मेरा भाई आया कितने दिन के बाद, पूछू नहीं क्या खैर खैरियत लग रहे? अरे इतने मजा जाता आ रहा है। अरे वो भी मजा जाता आ रहा। तो खून है ना मेरा? खून है ये? ऐसा खून कैसे भी रंग दो, हमारा खून तुम्हारा खून बड़ा पाक है ना, बस रंग दो तुम्हारा। उसकी शादी की बारात में आ गया मैं। ऐसा? और वो खाला की बेटी की लड़की की शादी भी है। ऐसा? हाँ, तुम्हें बोला रुक के भी दे देंगे। ऐसा क्या? हाँ। दे देना रुक के। आए नहीं है, अपना काम तो करने का ना। क्या खुशी हो रही है उसको शादी की? तो होगी ना मेरे को शादी की खुशी? तुम्हारे वहाँ की दाल खा खा के उबकता मैं। कम से कम मांडा सालन तो मिलेगा एक दिन। ये ले दादा। हाँ। ये तेरा रुक्का है अलग से। ये लो मामू, ये तुम्हारा रुक्का है। रुक्का? अरे बाप रे बाप, क्या रे ये इतने राम एक रुके के ऊपर 30-40 साल के 3 दिन तक का वही काम करते बैठू क्या मैं? लोगों को बोलते फिर। अरे वो रुके कम हो गए थे, मैंने 2 ही रुके लाया था, तो एक दादा को दे दिया, एक पे तुम्हारे ऊपर सब नाम डाल दिया मैंने आजू बाजू वालों के। रुके कम पड़ गए थे? काय को हौस कर रहे रुके झापने की है? एक रुके में 30-40 नाम, अब क्या 3 दिन तक का वही काम करते फिर क्या मैं? लोगों को बोलते मामू, ओ मामू भैया वो है यहाँ पड़े रहता, वो कभी कभार आता
समझ रहे ना, मेरे को चापते ना चल जाता, उसको मत चापो, समझ रहे ना। ऐसा मैं क्या कहता, उन्होंने तो रुक के छपा लिए, तुम्हारे वहाँ तो सादे होते ना तो रुक के नहीं देते, चावल के दाने देते। ऐसा भादक का ध्यान रखते गए तू हमारा, इसके वास्ते आए लगे तू यहाँ, हमारा ही खा हमारा ही बुराया कर। जानते दादा, तेको मालूम है ना ऐसी उम्र में ना बुढ़े लोग भैकेले भैकेले बात करते। ऐसा भैकेले बात कर रहा मैं क्या, कान में घुसुर घुसुर कर रहे एक दूसरे के। अरे तो मामू क्या बोलने की भी चोरी करेंगे तुम, है बोलने की चोरी करेंगे, एक दिन के वास्ते आए ना, घड़ी भर के वास्ते आए ना, जरा लाइन से रह भाई, क्या पानी पी और निकल जल्दी से। जब से पानी भी नहीं पूछे तुमने, चाय की बात पूरी ला रही ना, लाओ लाओ पूरी ला दो, ला दाल इसके बड़े पे ला के दे उसको, ले ना भाई ले। क्या हो मेरा भाई, आए ना तुम्हारे वाले आते तो बरोबर फट से चा रख देंगी, तोस लाएंगी, खादी लाएंगी, हैं मेरे वालों खाली पानी पे। मेरे भाई क्या खाली पानी, मैं तो जब खुद कमा के लाओगी ना तब खिलाऊंगी उनको। ऐसा कमाई देखेंगी तू, है ना, खुद तो आई था बैठ के खाते और लेके आए उनको भी। अभी तमाशे कर रही ना तू, देखता ना मैं तेको। बस रे भाई बस बस कर, जा अंदर जा। अरे इतनी गजी पुश्ती ले दे उसकी, तू अंदर जा तो जरा जवान को लगाम लगाने का बोलो ना। गज लगाम लगा ले अपने, तू तेरा देख कितना लगाम में है तू। ऐसा तो खुद तो बेलगाम है। अदब कायदा सिखाओ ना, अदब कायदा सिखाओ, सब सिखा ले अदब कायदे हमने, तू सीख ले अदब कायदे, बहुत अदबदार है तू। देख रहा ना कैसा बोल के गई, हाँ कैसा बोल के गई, तू देख क्या है पहले, कितना अदबदार है वो देख पहले। मैं छोटा भाई नहीं, ऐसा बोल के गई तो है, तो सुनना पड़ेगा देखू, लिए ले याद है ना, बस घूम फिर के तुम्हारी गाड़ी वहीं आती, वहीं आती, लिए ले वो याद रख सिर्फ, हाँ कितने लिए ले, तुमको ही मालूम है ना क्या कान मीठे नीचे कर रहा। अरे जरा से पैसों के वास्ते हमने तुमको हीरा दे दिए ना मेरा दादा। हीरा, ये हीरा है, ये काला भतरा हीरा है, हाँ काला पथरा जबनी किए, ये तुम्हारी पोरी ने अंत, तुमने कर दिया मेरे को। वो तू एकदम बोरा चटक था रे, फिर था में हमारे को, अरे हमारे बीच में खबगा तू, खबगा तुम्हारे बीच में फिर। हाँ जानदे भाई, बाबा ने बोले ले दादा को बोलना कि तू 8 दिन पहले आना। ओ भाई 8 दिन पहले बुला रहा इसको, ये 8 दिन पहले वहाँ आ जाएगा ना, तू 8 दिन पहले इधर आ जाना। क्यों क्यों, यहाँ काम कौन करेगा तेरे बदलेगा। ऐसा है मतलब नौरा मरो नौरी मरो, तुम्हारा काम होने होना, काम होने होना। सुन सबको बुला रहा ना शादी में, तो पैसे भी देके जाना भैया सबके, इसके भाड़े तोड़े के भी देके जा। भाड़े तोड़े के पैसे मांगा दे, ये हमारे गल्ले पड़ेगा ना, तो भाड़े को पैसे दो। ओह नो, इतना भी जाएला नहीं है मैं। जा भाई खाना गिना खा, भूखे तेरा मुँह देख कितना सुखा हो गया रे, उठ जा। ओ जरा संभाल के बाता करो, चल निकल चल रे बा, है ना तुमको हमारे गांव की मिसल पाव खिलाता और एकदम इमरती है ना, हाँ। चलो जा खिला मिसल, खिला रहो। अगली बार तुम आए थे शादी में, 8 दिन रहे थे याद है ना, हाँ। और पूरा घर खा के गया था और 21 रुपए आए टिपाए थे, ऐसा तो नहीं करना। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिफ अलबेला उर्फ जैन दादा। तो दोस्तों मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने हमारी वेब सीरीज जैन्या दादा घर जवाई को बहुत प्यार दिया और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमारे इस वेब सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।